शिक्षक पात्रता परीक्षा और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जिला अधिकारी ने किया निरीक्षण। बांदा जनपद में आज उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2021 शांतिपूर्ण और पारदर्शिता से संपन्न हुई। इस दौरान जिलाधिकारी अनुराग पटेल ने जनपद के पंडित जेएन डिग्री कॉलेज एवं सत्यनारायण इंटर कॉलेज तिंदवारी का निरीक्षण कर परीक्षा का जायजा लिया। ये परीक्षा दो पारियों में संपन्न हुई। वही रास्ते में जा रही 102 एम्बुलेंस में कमासिन की एम्बुलेंस को रुकवा कर मरीज कमला से जानकारी प्राप्त की। वही उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिसंडा का भी आकस्मिक निरीक्षण किया। नवभारत समाचार बांदा से नंदू राम चतुर्वेदी की रिपोर्ट। जा सकता हूँ निरीक्षण करने, तो काफी धीरे इलाका है, तो मैंने सोचा आज इसको भी देख ले। हमारा वैक्सीनेशन चल रहा है, डोज 98% हो गया, सेकंड डोज 62% और बच्चों का करीब वो भी 70% है। तो ये इंटीरियर था, तो इसको देखने आया कि क्या चल रहा है। तो अभी देखा तो केवल इन्होंने 9 लोगों का वैक्सीनेशन यहाँ कराया, जबकि ज़्यादा होना चाहिए। और मैं यहाँ भी कुछ व्यवस्थाएँ देखा है, आपने देखा होगा, एक बच्चे जो पैदा होते हैं उनके लिए बेबी बार बार होता है वो नहीं है, बच्चों को बेड करने का है वो भी नहीं होता, बेडशीट कुछ आपने देखा होगा 4-5 बेडशीट भी पुरानी लगी गंदी हैं जिसमें दाग लगे हुए, और इनका जो स्टॉक रजिस्टर है वो भी अद्यतन नहीं, 17 तक एंट्री है जबकि लेटेस्ट एंट्री होनी चाहिए। और पुरानी अस्पताल में गया था तो वहाँ जो है इनकी मैंने चेक किया, वो 102 108 चेक किया, तो उसमें ना तो ऑक्सीजन सिलेंडर है, ना उसमें क्या कहते हैं थर्मामीटर है, ना पल्स ऑक्सीमीटर है, मतलब कोई चीज़ नहीं है। और एक रास्ते में चलती हुई मिली, यहीं से जा रही थी, बच्चा पैदा हुआ उसको लेकर जा रही थी, तो उसमें भी पल्स ऑक्सीमीटर नहीं, थर्मामीटर नहीं, फर्स्ट एड बॉक्स नहीं, तो इस तरह से कमियाँ हैं। हमारा केंद्र है पूरे जनपद में, इसमें 16 जो है स्वास्थ्य केंद्र हैं और 2 ग्रामीण केंद्र हैं। तो परीक्षा हमारे सारे मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं, सिटी मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं, सुपरवाइजर लगे हुए हैं, मोबाइल परीक्षा कॉलेज अभी तक कितने केंद्रों में निरीक्षण कर चुके हैं?